सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब टुडे ते प्राइम टाइम ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल पूजा वर्मा। पंजाब दी खबरां दे वल रुख करदे हां। दरअसल अज वड्डी खबर जिहड़ी उह मुक्तसर साहिब तों सामने आई, जिथे कि पंजाब दे मुक्तसर साहिब जिले दे विच इक 20 साला नौजवान दा कतल कर दिता गया। नौजवान नूं 25 नवंबर नूं पिंड कोट भाई तों अगवा कीता गया सी। अगवाकारां ने नौजवान दे घर ते फिरौती दीआं कई चिट्ठियां वी सुटियां। दस्सिया इह जा रिहा है कि पुलिस वल्लों नौजवान दी लगातार भाल कीती जा रही सी ते अज सवेरे पुलिस नूं नौजवान दी लाश बरामद हुई। मरण वाले व्यक्ति दा नां हरमन है। हरमन मापिआं दा इकलौता पुत्तर सी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले दे विच 5 लोकां नूं गिरफ्तार कीता। पंजाब दे जिला मुक्तसर दे विच एक 20 साला नौजवान दा कतल कर दिता गया। नौजवान 25 नवंबर तो पिंड कोट भाई तो अगवा किया गया सी। अपहरणकर्ताओं ने नौजवान दे घर फिरौती दे कई पत्र भी सुट्टे सी। दस्या जा रहा है कि पुलिस लगातार नौजवान दी तलाश कर रही सी। अज सवेरे नौजवान दी लाश पुलिस नूं बरामद हुई है। मरण वाले दा नाम हरमन है। हरमन मापे दा इकलौता मुंडा सी। दस्या जा रहा है कि अगवाकारां वल्लों हरमन दे घर कई चिट्ठियां सुट्टियां गईयां, जिस विच उन्हां ने हरमन नूं छड्डन दे लई 30 लाख फिरौती दी मंग कीती सी। दस्या जा रहा है कि इस गिरोह ने पहला भी एक नौजवान नूं फिरौती दे पैसे ना मिलन ते मौत दे घाट उतार दिता सी। लाश नूं कब्जे विच लेके पुलिस पोस्टमार्टम दे लई सिविल अस्पताल पहुंची। पुलिस ने कुछ लोगों नूं हिरासत दे विच भी लिता है। इस वारदात विच पंजाब अते राजस्थान दे गैंगस्टर्स दे होण दा शक जताया जा रहा है। हालांकि इस मामले नूं लैके पुलिस वल्लों जल्दी खुलासा कीता जा सकदा है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब टुडे ते अज असीं हलका गिद्दड़वाहे दे पिंड कोट भाई दे विच मौजूद हां। 25 नवंबर नूं एक 16-17 साल के नौजवान को अगवा कर लिया जाता है। अज असी उन्होंने घर के अगे तस्वीर तुम्हें घर दियाँ दिखा रहे हैं। तो नौजवान अगवा कर लिया जाता है तो नौजवान के घर तो 30 लाख रुपए की घर तो फरौती मंगी जाती है। तस्वीर थोड़ा श्री मुक्तसर साहब के हलका गिद्दड़वाहे के पिंड कोट भाई दियाँ दिखा रहे हैं। हरमन दीप जिहड़ा नाम सी नौजवान का, हरमन के घर दियाँ तुम्हें असं तस्वीर दिखा रहे हैं। तो परिवार वालों जोड़ा है पुलिस थाना कोट भाई की पुलिस को एक दरखास्त दी जाती है। तो मुक्तसर पुलिस पूरी मुक्तसर पुलिस जी सी वो हरमन की भाल में लग जाती है। तो अज सवेरे पता लगे है कि हरमन की जी है कुछ लोगों को राउंड अप करके पुलिस ने जोड़ा है हिरासत में लिया। तो अज सवेरे पता चलिया है कि हरमन की जी लाश उन्होंने मलोड़ के एक शाम खेड़ा पिंड के खेतों में नपी हुई है। तो पुलिस जी है वो लाश की भाल कर रही है। सवेर तो ही जी पुलिस कुछ खेतों में लाश की तलाश कर रही है। हुण वेखना होगा कि अगे की जी कार्रवाई पुलिस वालों की जा रही है। 25 नवंबर इसी साल थाना कोटबाई को एक सूचना दी जाती है एक नवयुवक की, एक 20 साल के लड़के के किडनैपिंग के उसे करौने वालों। उनका कहना था कि 12 बजे हमारा लड़का करों तो जाता है। उसके बाद लगभग 4 बजे उनको एक फोन आता है कि तोड़ा लड़का किडनैप हो गया है ते सानू 30 लाख रुपए दो अगर तुहानू चाहिए वापस। इस घटना के बाद ये जदों इंसीडेंट रिपोर्ट होंदा है ते आपा वक्त-वक्त टीम बनांदे हैं। एसएसपी श्री मुक्तसर साहब आप खुद टीम नू लीड करके कई थां पे हम लोग रेड्स करते हैं। जेडे इस दे एक्यूज थे ये बड़े शातिर और बड़ी चलाकी नाल पुलिस नू ते परिवार नू गुमराह करते हैं। पहले परिवार नू ये धमकांदे हैं कि तुसी पुलिस नू किसी भी सूरत इन्फॉर्म ना करो ना तोड़ा लड़के तो नुकसान हो जाना। ते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हम लोग को ये लगने लग गया था कि ये जेडे बंदे हैं या तो उन्होंने इहदे नाल गलत काम कर दिता है, जेड़ा लड़का किडनैप हुआ है ये इनके पास है नहीं, और ये बेसिकली जेडे परिवार वालों 30 लाख की वो भी पैसा मानना चाहते क्योंकि लड़का के नुकसान ऑलरेडी कर चुके थे, ऐसा लगने लग गया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो परिवार नू बेसिकली इन्होंने बीच में परिवार नू कन्विंस कर लेता कि तुसी 30 लाख फला थां पे रख जाओ। पहले इन्होंने दौड़ाते हैं कि तुसी फला थां पे आ जाओ, उसके बाद फिर कहना तुसी हुन उत्थे आ जाओ, उसके बाद कहना तुसी एक ट्रेन फड़ लो जी। साल 2015 दे विच होए बरगाड़ी मामले दे विच हुन सरकार दी मुश्किलां वध रहीयां हन। सिख संगतां हुन नैशनल हाईवे चौराहे ते पक्के तौर ते टेंट लगा के प्रदर्शन कर रहे हन। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारे सिख संगत अते पीड़ित परिवारां नूं मनाउण दे लई देर रात पहुंचे पर बेरंग उन्हां नूं वापस जाना पिया। एक साल बीत गया बैबल कला गोलीकांड दे पीड़ित परिवार इंसाफ दे लई बैठे हन पर सरकार वल्लों इंसाफ नहीं सिर भरोसा दित्ता जा रिहा है। नैशनल हाईवे चौराहे ते जाम लगा के बैठी सिख संगत अते पीड़ित परिवार ने देर रात फैसला किया कि दोवें पासों बंद की सड़क नूं इक पासे तों खोल के इक पासे तों पूरी तरीके दे नाल बंद रख्या जावेगा।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 94 ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 94 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਗਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 94 ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੋਨੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਡੇਲੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੇਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਜਾਮ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੋਡ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 1991 ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 8 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਤਕੋਹਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨਪੁਰਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੌੜ ਖੈਰਾ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਨੇਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੀਰ ਕਚਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 8 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਤਕੋਹਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੌੜ ਖੈਰਾ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਨੇਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੀਰ ਕਚਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੰਬੀ
जांच तो बाद ए सामने आया कि पुलिस मुकाबला फर्जी सी अते उस आधार ते 47 उत्तर प्रदेश दे पुलिस अधिकारियां ते कर्मचारियां नू अदालत ने दोषी करार दिता, जिस विच 4 अप्रैल 2016 नू सीबीआई दी अदालत वल्लों सारे पुलिस कर्मियां नू दोषी करार दे के उम्र कैद दीआं सजावां सुनाईआं गईआं सन अते पीड़ित परिवारक मैंबरां नू 14-14 लाख रुपए दोषियां वल्लों जुर्माने दे रूप दे विच देण दा फैसला सुनाया गया सी। पर इस फैसले नू पुलिस कर्मियां वल्लों चुनौती दिंदिया हाई कोर्ट विच अपील कर दिती गई, जिस ते अज इलाहाबाद हाई कोर्ट वल्लों हुण अपना फैसला सुनांदे होया दूजी वार पुलिस कर्मियां नू दोषी ठहराया गया, लेकिन उन्हां दीआं सज़ा घट कर दिती गई। अते जदकि हाई कोर्ट दे फैसले संबंधी प्रतिक्रम जाहिर करदिआं पिंड सतकोहा दे सारे रिपीट सतकोहा दे मारे गए हरमिंदर सिंह पिता अजीत सिंह अते हरमिंदर दी पत्नी सरबजीत कौर, जो उस मौके अपने पति नाल उस बस च सवार सी जद उसके पति अते होरना नौजवानां नू बस तो उतारिया गया, उस मुताबिक ओ धार्मिक यात्रा ते सन, जदकि सारे मारे गए नौजवान बेकसूर सन अते उदो ना ता उना दीआं लाशां उना दे हवाले कीतीआं गईआं अते उना नू झूठी अतवादी बना मुकाबला कर दिता गया सी। जिथे उदो 1991 च हालातां दा बयान कीता उथे ही उन्होंने कहा कि 31 साल बाद दूजी वार जो फैसला आया है उस नाल संतुष्ट नहीं हन, क्योंकि जिथे हुण अदालत वल्लों उन्हां दी सज़ा बदल दिती गई है उथे ही उन्हां नू अज तक किसी भी सरकार वल्लों कोई मुआवजा नहीं दिता गया, जिस करके सानू जिथे कानूनी लड़ाई लड़न दे लई वड्डी जद्दोजहद करनी पई उथे बच्चियां दी पढ़ाई ते होर जरूरतां लई भारी आर्थिक तंगी दा सामना करना पिया। उन्होंने कहा कि सिख प्रतिनिधि बोर्ड उत्तर प्रदेश दे प्रधान डॉक्टर गुरमीत सिंह प्रधान, उन्हां दे पुत्तर एडवोकेट हरजोत सिंह अते एडवोकेट आरबी सिंह दे यतना सदका ओ अपनी कानूनी लड़ाई नूं जारी रख रहे हन अते अगे वी लड़ाई जारी रखणगे। जी मैं नाल ही सां उन्हां दे, इक ही सीट ते ही बैठे हां ते पुलिस वाले बस चढ़े आ ते उन्हां लागू उठाल लिया ते असीं कहा वी आ वी इन्हां नूं कित्थे लैके जाणा तुसीं, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੋਈ 8-9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਹਿਮੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਬਥੇਰਾ ਤਰਲੇ ਲਏ ਆ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜਨਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਰਸਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਇਹ, ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ
तुसी लोकां ने बनाई है। कृषि मंत्री दी सारी गल्लां अते दावियां दे बावजूद प्रदर्शनकारियों ने भरोसा नहीं जताया। उन्होंने जद तक समाधान नहीं होवेगा तद तक धरना जारी रखने की गल की। किसान नेतावां ते आम लोगों ने कहा कि पहले मंत्री कुलतार सिंह संधवा भी डेढ़ महीने का समा लेके गई सी। बार बार समा दिता जाता है लेकिन किसी भी तरह किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता। किसान नेतावान ने कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल तो कहा कि वह क्यों नहीं मान रहे कि फैक्टरी गलत है। किसान नेतावान ने धालीवाल तो दो तरीके की गल करन की गल कही। फिलहाल खेतीबाड़ी मंत्री की किसानों तो गल चल रही थी। इस तो पहला किसानों ने मंत्री नूं दस्या कि फैक्टरी दे मालिक ने तय नियमों के अनुसार फैक्टरी स्थापित नहीं की सी। उन्होंने अनेक प्रकार की बीमारी किसानों की फसलों नुकसान पहुंचाया। लोगों ने कहा कि पीने का पानी भी जहरीला हो चुका है। धरना स्थल से पुलिस विभाग के अधिकारी किसानों से फैक्टरी प्रबंधकों के बीच समझौता करवाने के प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर धरने से बैठे किसानों ने 16 दिसंबर पुलिस वालों फड़े गए 4 लोगों को छड़न की मांग की। 5 सरपंचों के कैंसल किए गए लाइसेंस दोबारा बहाल करने की मांग की। किसानों ने इलाके में गैर कानूनी माइनिंग जारी होने बारे भी दसिया। अगे भी कहा कि धरती के जहरीला पानी छड़िया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल ने आने दे विच देर की है लेकिन देर आए दुरुस्त है। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने धरने ते बैठे किसानों अते लोकां तो कहा कि वह पहले भी आना चाहते सी लेकिन पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले अते होर कारणां दे चलदे कई प्रयास समय ते नहीं हो सके। उन्होंने किसानों तो कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अते उन्होंने ही मंत्री बनाए। अगे उन्होंने कहा कि मैं एक्शन लेने वाला मंत्री हाँ ना कि गल्लां करन वाला। उन्होंने पुलिस वालों फड़े गए 4 लोगों को छड़ देने की गल की। 12 घंटे के किसानों के बैंक खाते में पहुंचे पैसे। मंत्री धालीवाल ने कहा कि 5 साल तो बाद आम आदमी पार्टी की सरकार जवाब देगी कि पंजाब के लिए की कुछ किया है। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने किसानों को 300 करोड़ रुपए का बकाया दिलाया है। पंजाब के गन्ने की खेती करने वाले कोई एक किसान यह नहीं कह सकता कि उसनों बकाया या पैसा नहीं मिलिया। किसानों के बैंक खाते दे विच 12 घंटे विच पैसे पाए गए ने। फिलहाल शराब फैक्ट्री के बाहर धरना जारी रहेगा। मंत्री धालीवाल किसानों नूं मनाउण दे विच असफल रहे ने। मसला हल करांगे तुसीं कि बताओ टाइम देण तों बाद मसला हल होवेगा। असीं देख रहे लीगल लीगल टाइम मैं कह सब बेनती करके तुहाडे सामने बेनती करके यही गलबात की लोग आ जो लगातार 5 महीने तो बैठे हुए आडिया बजुर्ग बंदे बजुर्ग मातावान छोटे छोटे बच्चे जो लगातार बैठे हुए आ जिमें कल सीएम साहब ने मीटिंग हुई उन्होंने एक महीने का टाइम लिया भी एक महीने च असीं सारियां कमेटियां बना के जिन्हें भी इन्होंने गलत काम किए आते असीं इन्हां ते कार्रवाई करांगे। पर उहदे विच मुख्यमंत्री साहब यह कह रहे थे भी तुसीं 300 मीटर पिछे कर लो धरना। सो अज जो मंत्री साहब आया संगतां ने बिल्कुल ना करती भी असीं धरना पिछे नहीं करना। इहदे विच कारण आ इक भी लोगों की समझ यह बनी है भी जदों भी कोई कमेटियां बन जांदियां वा उदों बाद मसले रुल जांदे आ मसलियां दे हल नहीं हुंदे गे। इहनां लोगों की मंग आ भी एक महीने दे विच इह सारा कुछ हल भी हो जाए पर धरना इतने रहे। पर इन जो हाई कोर्ट के वालों 20 तरीक रखी गई है तो प्रशासन के वालों भी लगातार जो धरना 300 मीटर पिछे कराने की गल आखी जा रही है तो उन्होंने कितना देखते हो? देखो जी प्रशासन को बहुत ताकत आ वो कुट सकते ठा भी सकते धरना चुका भी सकते असं मानते हैं गल पर जो कुट के ठा देंगे जिहड़ी सरकार हुण तक यह कहती रही है असं किसानां दे आ साडी किसानां दी सरकार आम लोगों की सरकार आ साडे भी असं किसानां दे नाल आ जो भाई उन्होंने कुट के ठाउणा तो ठा लैण फिर होर आपां की कर सकते जवाब दिता जाऊगा। हाई कोर्ट कोई स्टे करा लांगे कुछ होर ले लांगे पर जनता ना डट के खड़न। थोड़े चैनल राही भी यह उम्मीद करते हैं मान साहब नूं भी अपने धालीवाल साहब आए थे भी हुण वेला वा यह गल साबित करन दा भी तुसीं वाकई ही आम आदमी हो तो आम लोगों के नाल खड़े हो। पाकिस्तान दे कैबिनेट मंत्री वालों पार्लीमेंट दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं लैके गलत शब्दावली वरती गई जिस दे विरोध दे विच अज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वालों पंजाब दे हर एक जिले दे विच धरना प्रदर्शन किया गया जिथे उन्होंने कहा कि जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने वरती वह गलत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी का कद पूरे विश्व दे विच बहुत उच्चा है ते इस तरीके दे नाल जड़ा है उन्होंने बयानबाजी नहीं करनी चाहिए सी। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री का पुतला भी साड़िया। अज का रोस प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी जिला पठानकोट वालों जेड़ी अभद्र भाषा का गंदी लैंग्वेज का यूज
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आदरणीय मोदी जी के खिलाफ किया, उसके रोष के वजह अज सारे हिंदुस्तान उसके तहत अज पठानकोट जिले वालों भी उसका विरोध करते हुए बिलावल भुट्टो का पुतला फूकया गया और ये मंग की गई है कि जो बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सब तो सशक्त नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिसका लोहा सारी दुनिया च मन रही है उन्होंने खिलाफ इन्नी घटिया गंदी लैंग्वेज यूज की है उसके रोष वजह अज भारतीय जनता पार्टी के समूह कार्यकर्ता औरतां नौजवान बुजुर्ग सब लोग समाज के अन्य लोग इस गल का विरोध कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज उस भुट्टो ने उस गलत व्यक्ति ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने साढ़े बहुत ही आदरणीय दुनिया के सशक्त नेता के खिलाफ जो लैंग्वेज यूज की है उसकी शर्म माफ़ी मंगे पाकिस्तान उसनों बर्खास्त करे और माफ़ी मंगे ता ही उसकी खलासी होगी नेता असी लोग उसका पूरा विरोध करांगे दुनिया के अंदर। अज तुसी मेरे पत्रकार वीरों तुसी सब ने देखिया कि पाकिस्तान के अंदर भी तुहाडे वर्गे वीर प्रेस के वीर पाकिस्तान की जनता नूं पुछ रहे हैं दोनों हाथों च पोस्टर लेके एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक साढ़े आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और पुछ रहे हैं किहड़ा व्यक्ति वधिया और पाकिस्तान की जनता ने यह अज उत्थे किहा कल सब लोगों ने भी नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे बंदे है दुनिया के सब तो वड्डे नेता है साढ़े बिलावल भुट्टो ने जो लैंग्वेज उन्होंने खिलाफ यूज की है वह गलत है उसनों उसकी माफ़ी मंगनी चाहिए है। तो मेरा कहने का मतलब जो लैंग्वेज जो अभद्र भाषा का प्रयोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने किया उसका हिंदुस्तान के अंदर तो विरोध हो ही रहा है लेकिन दुनिया के विच जड़ा वो है अपना पाकिस्तान के भी अंदर उसका विरोध हो रहा है पाकिस्तान की जनता और असं भी ये मांग करते हैं कि वो शरेआम मोदी जी को माफ़ी मंगे अपनी गल का पश्चाताप करे ता ही उसके खलासी हो पाए। बीते दिनी पंजाब सरकार दे आदेश तो बाद डीजीपी पंजाब ने पंजाब दे पुलिस अफसरां नूं आदेश जारी कर गन कल्चर नूं प्रमोट करन वालियां सोशल मीडिया ते जिहड़ी भी तस्वीरां नूं हटाउण दे लई लोकां नूं कहा सीगा। हालांकि लोकां ने तां ओह तस्वीरां हटा दित्तियां लेकिन उन्हां दे अपने ही पुलिस मुलाजम कई अजिहे ने जिन्हां ने जिहड़ा ए तस्वीरां नहीं हटाईयां ते लगातार अपने सोशल मीडिया ते ओह शो वी करदे ने। अजिही इक तस्वीर वायरल हो रही है जिस तों बाद लोकी इह कह रहे ने कि हुण इह देखणा होवेगा कि आखिर डीजीपी सिर्फ इह आदेश लोकां तक ही सीमित रखदे या फिर अपने कर्मचारियों नूं भी कुछ कहंदे हैं। बीते दिनी पंजाब सरकार दे आदेश तो बाद डीजीपी पंजाब ने पंजाब पुलिस दे अफसरां नूं आदेश जारी कर गन कल्चर नूं प्रमोट करन वालियां ते सोशल मीडिया ते हथियारां नाल तस्वीरां पाउण वालियां ते कारवाई करनी शुरू करवा दित्ती सी। आदेश जारी करदे हुए जिथे शिकायतां आउणियां भी शुरू हो गईयां सी अते नाल ही लोकां दे वल्लों अपणियां असल कढ़न दे लई कईयां दीआं पुरानियां तस्वीरां भी वायरल कीतियां जा रहियां सन जिस तों बाद डीजीपी पंजाब दे वल्लों आदेश जारी कर 3 दिन दा समां दित्ता गया सी तां जो सोशल मीडिया ते मौजूद पुरानी तस्वीरां नूं हटा दित्ता जावे। इस आदेश दा लोकां ने पालना भी कीती अते ओह तस्वीरां सोशल मीडिया तों हटा भी लईयां गईयां। पर जे गल करिए तां डीजीपी पंजाब दे इस आदेश नूं उन्हां दे ही इक पुलिस मुलाजम जो कि इस वेले कपूरथला जिले दे विच तैनात दस्सिया जा रहा है ने इस आदेश नूं नहीं मन्निया ते हाले वी शरेआम सोशल मीडिया ते अपनी हथियारां नूं प्रमोट करन वाले तस्वीरां नूं तां सांझा कर ही है। इन्ना ही नहीं सरकारी वर्दी दे विच भी ए जनाब इंस्टाग्राम दे उत्ते कलाकार बने हुए दिखाई दे रहे हन। इंस्टाग्राम दे उत्ते कमल बाजवा 9591 ना दे नाल बनी हुई इस सोशल मीडिया आईडी दे उत्ते शुक्रवार दी शाम तक भी हथियारां नूं प्रमोट करन वालियां तस्वीरां पाईयां गईयां सन। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਣਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨੌਨੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਟੋ 'ਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੁਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਟੋ ਸਵਾਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ।
लुधियाना दे पुलिस स्टेशन दुगरी दे अधीन पैंदे जैन मंदिर दे नेड़े एक 6 साल दी बच्ची दे बलात्कार दा मामला सामने आया। इस घिनौनी हरकत नूं अंजाम देण दे लई मुलजम ने बच्ची नूं ऑटो च अगवा कीता, फिर उस नाल कुकरम करन तों बाद उस नूं मुड़ उसे थां ते छड्ड दित्ता, जिस तों बाद बच्ची दे परिवार नूं पता लग्गिया ते उहनां ने तुरंत इस दी शिकायत दुगरी पुलिस स्टेशन कीती अते नाल ही उहनां नूं जिस ते शक है उस बारे भी दसिया, जिस तों बाद शक्की नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिता है। इस पूरे वाकये दी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रही है, जिस विच एक काले रंग दा ऑटो सवार बच्ची दे कोल जाके खड़ा हुंदा है, फिर उस नाल गलबात करदा है अते उस तों बाद जदों ओ ऑटो लेके जांदा है ते बच्ची उस थां ते नहीं हुंदी। मन्या जा रहा है कि ओ बच्ची नूं अपने नाल बिठा के ले जांदा है। इस पूरे वाकये तों बाद पीड़ित रिश्तेदारां वल्लों लुधियाना पुलिस स्टेशन दे बाहर इंसाफ दी मंग कीती गई। संबंधी एसीपी ने जानकारी सांझी करदे होए कहा कि उन्हां कोल सवेरे ही ए मामला सामने आया सी, जिस तों बाद उन्हां ने मामला दर्ज कर लिता है अते जिस दे परिवार नूं शक सी उस नूं गिरफ्तार भी कर लिता है। उन्हां ने कहा कि बच्ची दा मेडिकल करवाउण लई उस नूं सिविल अस्पताल लुधियाना भेजा गया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसके आधार पर पूरी जांच पड़ताल करन तो बाद उन्होंने मुलजम को गिरफ्तार किया है। आज सवेरे अपना थाने एक कंप्लेंट आई थी, उन्होंने पेरेंट्स ने आके कंप्लेंट की थी अपना कि साड़ी 6 साल की बेटी नाल किसी ने मतलब रेप किया, तो उन्होंने एक शक्की बंदे यदर अपन नाम दसिया से आप ट्रेस कर लिया, उन्होंने आप फड़ लिया तो आप पूछगिछ कर रहे हैं, अपन केस अपन रजिस्टर कर चुके हैं। देते सर कोई सीसीटीवी एक सामने आई है ऑटो दे विच लगांदे जी? हां जी, वो अपन कब्जे च ले लिए फुटेज। सर बच्ची नु भेज देता सिविल हॉस्पिटल? हां जी मेडिकल लियो अपना उनको करा रहे, मेडिकल करा रहे बच्ची दा। फिलहाल प्राइम टाइम चेन्नई, तुसी बने रहो पंजाब टुडे दे नाल। सत श्री अकाल।